बच्चों नमो नमः। आज हम आपके लिए कुमार संभव के प्रथम सर्ग से, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुमार संभव एक महाकाव्य है, उसी महाकाव्य के प्रथम सर्ग से हम आपके लिए आज तृतीय श्लोक पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने 4-5 श्लोक पढ़ा दिए आपको, जो विभिन्न स्थानों से लिए गए थे। जैसे मान लीजिए कोई 13वां श्लोक था, कोई 17वां था, ऐसे करके हमने आपको पढ़ाए हैं। आज हम आपको तृतीय श्लोक पढ़ाने वाले हैं। अब क्रम से इसके सभी वीडियो बनाएंगे, 1 से लेकर के 25 तक तो बीए प्रीवियस में लगे हुए हैं, लेकिन आपको पूरी वीडियो पूरी किताब भी मिल जाएगी। एक एक करके हम लोग प्रतिदिन एक वीडियो आपको देंगे, और ये सब आपके बीए और टीजीटी पीजीटी, तो टीजीटी के जस्ट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक दो प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो और नेट और जेआरएफ ये तो चलता ही चलता है यहाँ। तो आप देखेंगे कि बीए प्रीवियस में और नेट की परीक्षाओं में और प्रवक्ता की परीक्षाओं में आईएलटी में इसको पूछते हैं, तो उसी उद्देश्य से हम आपको मल्टीपर्पज वीडियो बना के दे रहे हैं। चलिए हम लोग इसका लक्षण वाचन करते हैं। अनंतरोदीर तिलक्ष्मभाजो पादौ यदि वा उपजातयस्ता, अनंतरोदीर तिलक्ष्मभाजो पादौ यदि वा उपजातयस्ता। अब देखिए इसी ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे। अनंत रत्ना प्रभवस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम्, एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेषु अङ्कः, निमज्जतीन्दो किरणेषु अङ्कः। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा है। हम आपको सीधा एक तरीका बता दें कि अगर आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं तो आपके एक दोष का पता नहीं चलता, दुनिया भी उसका मूल्यांकन नहीं करती। लेकिन अगर दोष ही दोष हैं, गुण ढूंढे से नहीं मिलते हैं, तब तो समस्या है। तो यहां क्या लिखा है, अनंत रत्न प्रभस्य यस्य, अनंत रत्नों के प्रभाव को, यस माने जिसके, यस पद आया है हिमालयस्य, जिस हिमालय के अनंत रत्नों के प्रभाव के कारण हिमम न सौभाग्य विलोप जातम, हिमम कहते हैं बर्फ भी, सौभाग्य विलोप जातम अनंत रत्नों के उत्पन्न करने वाले, ये प्रभाव जो पद है प्रभवस्य, ये प्रभाव कहते हैं उत्पन्न होना, तो प्रभव स्थान है वो, अनंत रत्नों का प्रभव स्थान कौन है, हिमालय है। तो अनंत रत्नों का उत्पादक हिमालय, जिसके हिमम ना, जिस हिमालय की शोभा को, हिमम ना बर्फ भी सौभाग्य शोभा को विलोपी नष्ट जातम कर सका, अनंत रत्नों का उत्पादक हिमालय जिसकी शोभा को बर्फ भी नष्ट नहीं कर सका। बर्फ नष्ट कर सकता था अगर वहां अनंत रत्न नहीं होते तो नीचे उदाहरण दिया गया है, यहां पर एक सूक्ति भी है। तो एको ही गुण एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेषु अङ्कः, तो यहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाएगा। और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि एका ही दोषा, एको दोषो ही माने क्योंकि, एता माने जैसे, जैसे एको दोषो एक गुण और एक दोष, तो एक गुण अगर होता एक दोष होता तब तो लोग गिनते, लेकिन अनंत रत्न है, अनंत रत्न है और एक दोष है, तो एका ही ये तो ही क्योंकि एको दोषो एक दोष गुण सन्निपाते, गुणों के समूह में अगर एक दोष होता है तो निमज्जति, तो निमज्जति डूब जाता है, गुणों के समूह में अगर एक दोष होता है तो वो डूब जाता है। डूबने का मतलब जल में डूबना नहीं है, डूबने का मतलब है उसमें छिप जाता है। इंदो चंद्रमा, यहां पर षष्ठी लगी है, जैसे चंद्रमा के किरणेषु इव अंकः,
इव अंकः। यहाँ पर एक पद दे दिया है कि जैसे चंद्रमा की किरणों में अंकः इव कलंक, अंक माने कलंक धब्बा, एक दोष गुणों के समूह में वैसे ही छिप जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों में, उनकी किरणों के समूह में, उसके अमृत के सागर में एक धब्बा छिप जाता है। एक कलंक किसी को दिखाई नहीं देता, कीचड़ किसी को दिखाई नहीं देती, दोष नहीं दिखता, क्योंकि चंद्रमा में अनंत रत्न है, इसीलिए उसमें एक दोष जो उसका कलंक है, धब्बा है, चिन्ह है, उसको कोई नहीं गिनता। इसी प्रकार से मनुष्यों में जब अनेक गुण होते हैं तो उनके एक दोष को कोई भी दृष्टिगत नहीं रखता। आइए साथियों, आपको अन्वय पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अनंत रत्न प्रभवस्य, ये हिमालय के लिए है, यश पद हिमालय के लिए है, हिमम बर्फ के लिए कहा गया है। तो अनंत रत्नों का जन्मदाता जिस हिमालय के हिमम बर्फ भी सौभाग्य विलोक न जातम, जिस हिमालय के सौभाग्य को बर्फ भी नष्ट नहीं कर सका ही, क्योंकि यतः जैसे, यतः माने भी क्योंकि होता है, एको दोषो एक दोष गुण सन्निपाते गुणों के समूह में, इन दो चंद्रमा के किरणेशु बहुत सारी किरणों में अंका इव कलंक की तरह निमज्जित माने छिप जाता है, डूब जाता है, लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता। ये यहाँ पर इतने अर्थ निकलेंगे। तो अनंत रत्नों का उत्पादक जिस हिमालय की शोभा को उसका बर्फ माने बर्फ रूपी अवगुण भी नष्ट नहीं कर सका, क्योंकि गुणों के समुदाय में एक दोष उसी प्रकार छिप जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों में उसका कलंक दिखाई नहीं देता। देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा है अनंत रत्न प्रवसे अगणित उत्तम वस्तु उत्पत्ति स्थान से यस्य। अनंत उत्पत्ति जो अगणित वस्तु है, और अगणित वस्तु कहती है उत्तम है, ऐसी वस्तुओं का उत्पत्ति स्थान हिमालय है। यस्य सौ हिमालय से हिमम तुषारम, हिम कहते हैं बर्फ, तुषारम कहते हैं बर्फ को, ये कर्तापद बना दिया है। सौभाग्य विलोपी सौंदर्य को, शोभा को विनाशकम न जातम, बर्फ भी जिसे नष्ट नहीं कर सका, ये लिखा है, ना अभूत नहीं कर सका। अभूत अभूताम अभुवन बनता है, ही माने क्योंकि इसमात कारणात, जिस कारण से एक अकेला, अकेला को एकांकी कहते हैं, दोषः दूषणम गुण सन्निपाते गुणों के समूह में, इन दो चंद्रमसा षष्ठी लगी है किरणेषु रश्मियों में, किरणों में अंका इव कलंक की तरह निमज्जत तिरस्कृत भवता हो जाता है, तिरस्कृत भविति अनंत अंतरिलीयत इति यावत्। अनेक गुणों के समूह में दोष उसी प्रकार छिप जाता है जैसे चंद्रमा की किरणों के बीच में धब्बा दिखाई नहीं देता। आइए, अनंत रत्न प्रवसे अविद्यमानः अंता येषां तानि अनंतानि अपरिमितानि, यहाँ पर बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे हम लोग, ये है आपका बहुव्रीहि समास। कर्मधारय पढ़ते हैं, विशेषण विशेष बहुलम, अनंतानि च रत्नानि रत्नानि, अनंत है रत्न जो, कर्मधारय समास कहते हैं यहाँ पर, विशेषण विशेषण बहुलम होगा, विशेषणम विशेषण बहुलम से कर्मधारय समास हुआ है। आगे देखिए, ये लिखा बी उपसर्ग पूर्वक लुम्प धातु से ऋणी लग करके यहाँ पर बना, विलुम्पत इति विलोप, जिसे कहते हैं विलोप जातम, और सुबग से से प्रत्यय लग करके सौभाग्य बनता है, सौभाग्य ऊ का औ हो जाता है, ऊ में वृद्धि होती है तो औ हो जाता है, सौभाग्यम उभय पद वृद्धि, देखो लिखा है सु में ऊ की वृद्धि भी हुई है और भग में जो भा है उसमें आ है उसकी वृद्धि हुई है, कहते सौभाग्य। और गामे क्या है, ऐसे चासे आकार की क्या कहते हैं उसके लिए, ऐसे चासे आकार का लोप होगा और ये यहाँ पर भग हो जाएगा, भाग्य प्रत्येक का यह जुड़ेगा, सौभाग्य बन जाएगा, सुभगत से भावा सौभाग्यम जातम। आगे देखें निमज्जत, देखिए नि उपसर्ग पूर्वक मध मत्स्य धातु से लट प्रत्यय, लट लट प्रत्यय क्या है, लट लकार है जिसमें तिप प्रत्यय लगता है, तो सन्निपातो गुण सन्निपाता तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष है, निमज्जत में निमज्जत बनता है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनता है। तो इस प्रकार से आपने देखा
ये मैंने आपको महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक महाकाव्य है कुमार संभव, उसका प्रथम सर्ग से तृतीय श्लोक का वाचन आपको करवाया। आपने इसका लक्षण जानते होंगे, मैंने लक्षण के वीडियो बनाए हैं और समस्त वीडियो के अधिकांश वीडियो के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आइए मैं आपको उपजाति छंद का लक्षण बोलता हूँ। ये छंद है उपजाति। अनंतरो दीर्तिलक्ष्म भाजो पादो यदि उपजातयस्तां अनंत रत्ना प्रव अनंत रत्ना प्रववास्यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम् एको हि दोषो गुण सन्निपात निमज्जतीन्दो किरणे शिवांकः। चलिए साथियों, नमो नमः, धन्यवादाः, पुनर्मिलामः।